हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई स्टडी एल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से ए डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है ये एग्ज़ाम परसों कंडक्ट करवाया गया था तो मुझे क्वेश्चन मिल चुके थे पर मैं टाइम की वजह से मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहा था ये जो एग्जाम है आप लोगों का ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल को मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसके बाद इसमें जे के क्वेश्चन पूछे गए तो जो के वाला सेक्शन है उसके एनालिसिस देखने वाले हैं ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे मुझे मिल गए हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो चले देख लेते हैं एक एक करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था फाइव जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड तो जो आप लोगों के सी होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का तो वही पूछा है कि जो उसमें अपॉइंट किया गया था तो उसमें टोटल कितने मेंबर कौन कौन थे तो उसमें जो थे आप लोगों के एक तो उसमें आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर जी रहते हैं जो भी जो बॉडी इलेक्ट करती है सी ए सी को सेकेंड उसमें अपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा रहते हैं और थर्ड नंबर पर रहते हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये यीनों मिल करके सी ए सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो यही वर्डिक्ट आया गया था तो यही क्वेश्चन था आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इज द करंट जी ट्वेंटी शेरपा जी ट्वेंटी की जो 2023 की मीटिंग है इंडिया में चल रही है ऑलरेडी बहुत सारी मीटिंग जो थी वो कंक्लूड की जा चुकी है तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस समय जी ट्वेंटी के शेरपा कौन है तो ये अमिताभ कांत है जो पहले जो आप लोगों का नीति आयोग है उसके सी रह चुके हैं अमिताभ कांत तो इस समय जी ट्वेंटी के शैर्पा कौन है अमिताभ कांत इसका करेक्ट था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इकसठ हज़ार सतहत्तर करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्लांटर इन विस सिटी तो कहाँ पर ये प्लांटर किए गए तो ये पारादीप उड़ीसा में ये प्लांट किए गए मोस्ट इंपोर्टेंट है पेट्रोकेमिकल आई ने नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन पूछा गया था तो जो आप लोगों के डब्ल्यू पी होती है वुमेन प्रीमियर लीग जो होती है जिस तरीके से आई होता है इंडियन प्रीमियर लीग उसी तरीके से पहली बार स्टार्ट की गई वुमेन प्रीमियर लीग तो इसका पूछा इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन थे तो टाटा ग्रुप इसका टाइटल स्पॉन्सर है पहला जो एडिशन हुआ इसका 2023 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है और विनर कौन है इसका मुंबई इंडियन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ डब्ल्यू के विनर कौन है तो मुंबई इंडियंस है उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है अली बाबा विच कंट्री तो जो अली बाबा है ये पूछा है कि आप लोगों से ये किस कंट्री की कंपनी है बिलोंग करती है तो ये चाइना से बिलोंग करती है है क्या ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अली बाबा है स्पेशलाइज ये कॉमर्स जिस तरीके से आप लोगों की फ्लिपकार्ट वगैरह होती है ई e कॉमर्स बिजनेस करती है रिटेल करती है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी और ये कंपनी कब फाउंड की गई थी तो नाइनटीन में ये कंपनी फाउंड की गई थी इस कंपनी के फाउंडर भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जैकमा इस कंपनी के फाउंडर है अली के नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इनके पिक देख सकते हैं बहुत ही फेमस पर्सन है चाइना में अली बाबा ये स्टार्ट की तीनों नो अली बाबा के फाउंडर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया था मिनिस्ट्री एन जी ओ एक्सटेंसन टिल थर्टी सेप्टेम्बर दो हज़ार दईस ऑन फॉरन समथिंग तो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था जो आप लोगों का एफ सी आर ए होता है फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो होता है जो एन जी ओ को फॉरन जो बाहर से जो वो मिलती है आप लोगों की एड मिलती है तो उसको कब तक एक्सटेंडेड कर दिया गया है? तो ये एक्सटेंडेड कर दिया गया तीस सेप्टेम्बर दो तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक्सटेंडेड कर दिया क्या है क्या ये वैलिडिटी ऑफ जो आप लोगों का एफ होता है इसकी वैलिडिटी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट होता है ये एफ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वन नॉट द ब्रोकर प्लेटफॉर्म तो इनमें से कौन सा एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म नहीं है तो इसका जो आंसर था आप लोगों का हो जाएगा ए को ए सी की ओए को उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं विच इस स्टेट नॉट प्रोड्यूस द मिलेट्स जो आप लोग का बाजरा होता है वो यही पूछा गया था कि आप लोग के चार ऑप्शन दे रखे थे तो पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो मिलेट्स का प्रोडक्शन नहीं करता है तो एक्जैक्ट तो जो चार ऑप्शन मुझे नहीं मिले बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन मिलेट का प्रोडक्शन करते हैं तो तो मेजर मिले, मिलेट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया आरधा राजस्थान है कर्नाटका महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड तो मोस्ट ऑफ द मिलेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो इन स्टेट के अंडर में आता है और सबसे ज़्यादा मिलेट का प्रोडक्शन होता है राजस्थान में और दो को ही तो पता है इंटरनेशनल ऑफ पिलेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है ये हमारा इंडिया का रिकमेंडेशन था तो ये आप लोग याद रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था इसरो का एल वी एम थ्री यू के थर्टी सिक्स डेप्लो इन अर्थ ऑर्बिट तो ये पूछा था ये जो सैटेलाइट थे ये किस ऑर्बिट में डिप्लॉय किए गए तो द पावरफुल क्राइजेनिक स्टेज ऑफ द एलवीएम थ्री इनेबल इट टू द प्लेस हैवी लोड इन टू द लो अर्थ ऑर्बिट तो कहाँ पर ये प्लेस किए गए तो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि लो अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है छः सौ किलोमीटर एल्टीट्यूड होता है लो अर्थ ऑर्बिट का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एबल प्राइज़ एस्टेब्लिश बाई कंट्री तो जो एबल प्राइज़ होता है किस कंट्री के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था तो जो एबल प्राइज इज अवार्डेड एनुअली बाई द किंग ऑफ द नॉर्वे तो हमेशा हर साल दिया जाता है किसके नॉर्वे के किंग के द्वारा टू वन या मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन तो किस फील्ड में दिया जाता है मैथमेटिशन की फील्ड में दिया जाता है इसका जो नाम है वो भी नॉर्वेनियन मैथमेटिशियन नाइल्स हेनरिक एबल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ एबल प्राइज़ तो आप लोगों को याद रखना है कि 2023 में ये अवार्ड किसको दिया गया तो लुइस कैफ्रियाली को दिया गया दो हज़ार का एबल प्राइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको मैथमेटिक्स का नोबेल बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था ग्रेड वन की मिनिमम एज कितनी है तो इसकी जो मिनिमम एज होती है सिक्स ईयर होती है जो ग्रेड वन की मिनिमम एज अब कर दी गई है सेंटर से उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आई इंटरनेशनल टेली जो होता है टेली कम्युनिकेशन यूनियन इसका हेडक्वार्टर पूछा था उसका हेडक्वार्टर होता है जनेवा स्विट्जरलैंड में अब मैं आप लोगों को जिनेवा स्विट्जरलैंड में जितने भी हेडक्वाटर होते हैं सबकी सब बता देता हूं सर्न होती है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ये भी सर्न बोलते हैं इसका हेडक्वाटर भी वहीं मिलेगा आपको जनेमा में इंटरनेशनल लेबर आई एल ओ इसका हेडक्वाटर भी जनेमावा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिसको आई एस ओ बोलते हैं इसका हेडकॉटर भी आप लोगों को जनेमा मिलेगा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आई पी यू बोलते हैं इसका हेड कोार्टर भी जनेमावा में यून यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इसका हेडक्वार्टर जिनेमा में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वाटर भी जनेवा में मिलता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेट्रोलिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके हेडक्वाटर आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं कोई भी आप लोगों से देख करके पूछ लेगा कि इनमें से इसका हेडक्वार्टर से तोनेवा स्विट्जरलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीलगिरी बायोस्पेयर रिजर्वेशन अप्रेस जो आप स्प्रेड फैला हुआ तो ये कितनी स्टेट में फैला हुआ है जो नीलगिरी बायोस्पेयर रिजर्व है तो आप लोगों को एक तो याद रखना है ये भारत का पहला बायोस्पेयर रिजर्व था जो 1986 में बना था कब बना था 1986 में बना था किन किन स्टेट में ये स्प्रेड है तो आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु में केरला में और कर्नाटका में ये फैला हुआ है और बाकी इसके जो फैक्ट है नीलगिरी बायोस्पेयर रिजर्व इज द इंडियाज फर्स्ट भारत का पहला था एंड फॉरमोस्ट बायोस्पेयर रिजर्व विद द हेरिटेज रिच इन फ्लोरा एंड फोना इसमें बहुत सारी बायोडावर्सिटी है जो फ्लोरा एंड फोना की है उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एन इको सिस्टम ऑफ हिल रेंज ऑफ नीलगिरी एंड इट्स सराउंडिंग कवरिंग ऑफ इनमें ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर वाज कॉन्स्टिट्यूट नीलग्रिइप्रेजर बाईनेस्कोने डिक्लेयर किया था नाइनटीन में जो उनका प्रोग्राम चलता है मैन एंड वाइस पेजर प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूछा भी जाता है और ये सबसे बड़ा भी है आप लोगों का टोटल वाइस पेरेजर भी पूछे जा सकते हैं कि टोटल इंडिया में कितने तो अट्ठारह उसके बाद नेक्स्ट पूछा है पीएम मित्रा इन हाउ मेनी स्टेट तो जो पीएम एम स्कीम है कितनी स्टेट में चल रही है तो पीएम एम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे और ये का कितने सात स्टेट में बनेंगे पीएम मोदी ने अनाउंस किया था मोस्ट इंपोर्टेंट उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एन एफ एस सी फाइव सी अप्रोच विच वन इज नॉट सी तो इनमें से कौन सा सी नहीं था द रिवाइज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये एन एफ एस सी की पुलफॉम है हैज रिकमेंडेड द अडोप्शन ऑफ फाइव सी तो उन्होंने रिकमेंड किया कि पाँच सी को अडोप्ट करना है तो कौन कौन से वो सी है फर्स्ट सी कंटेंट कैपेसिटी कम्युनिटी और कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन तो आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सा सी नहीं है तो ऑप्शन पाँच थे आप लोगों के तो जो भी इनमें से नहीं होगा वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एस जो स्वच्छ सर्वेक्षण टू पॉइंट जीरो है वि सिटी इज इन टेन टेन लाख प्लस पॉपुलेशन तो दूसरे नंबर की कौन सी सिटी है तो ये मैं आप लोगों को स्वच्छ सर्वेक्षण दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर दिया मैंने तो इस सब्सरेक्शन टू पॉइंट जीरो है मोर देन वन हंड्रेड के पॉपुलेशन में जो टॉप तो फाइव सिटी पहले नंबर पर इंदौर थी और सेकंड नंबर पर आप लोगों की गुजरात थी तो गुजरात आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर पर आप लोग देख सकते हैं ना भी मुंबई है और फोर्थ नंबर पर जी वी एम सी आंध्र प्रदेश की और फिफ्थ नंबर पर विजयवाड़ा ये भी आंध्र प्रदेश की सिटी है तो ये था आप लोगों का उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पूछा गया था हो गए द श्रीलंका टू पॉइंट नाइन बिलियन डॉल तो जो टू पॉइंट नाइन डॉलर का जो लोन दिया गया है श्रीलंका को तो यही पूछा गया था तो किस कं किसने दिया है तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया तो ये आई ने दिया इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड के द्वारा यह लोन दिया गया श्रीलंका को तो एक्सटेंडेड था फो फोटी एट मंथ टू पॉइंट नाइन बिलियन का है टू श्रीलंका टू हेल्प द रिस्टोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए यह लोन आई की ओर से अप्रूव किया गया किसके लिए श्रीलंका के लिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन इंडिया हु इन विद द अकाउंट एंड ऑडिट तो इंडिया में जो आप लोग का अकाउंट एंड उसकी ऑडिट वगैरह कौन करता है तो ये करते हैं हमारे सी एस जी कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इसके पुलपों में भी पूछी जाती है सी एस जी कौन होते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑडिट का, का काम करते हैं इस समय ये भी पूछा जा सकता है कि दो हजार तेईस में सीए जी कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी दो हजार तेईस में हमारे इंडिया के सी ए जी हैं इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है ये भी ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट इस समय द्रौपदी मुर्मू है ये भी याद रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तक एन एल बीट्स बाई वन रन तो ये क्वेश्चन मुझे एक्टेक्ट नहीं मिला है क्वेश्चन क्या था तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था फिर मैं उसको आप लोगों को पी में करेक्ट करके प्रोवाइड करवा दूंगा उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डेडिकेटेड टू द कंट्री गर्ल्स एंड वुमेन तो किस कंट्री की गर्ल्स को डेडिकेटेड किया गया है तो यूनेस्को इज डेडिकेटिंग दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ टू गर्ल्स एंड वुमेन इन अफगानिस्तान तो ये अफगानिस्तान को डेडिकेट किया गया हु हैव बीन डेप्राइव फॉर दिय राइट टू एजुकेशन उन वो पर क्या उनको डेप्राइव किया गया राइट टू एजुकेशन वहाँ पर उन्हें बेसिक जो एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है तो उसी को करने के लिए यह डेडिकेट किया गया यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन किसको अफगानिस्तान इसका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद ट्वेंटी वन पूछा गया था आई एल से बिगेस्ट शेयर होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके बाद दूसरा बैंक कौन सा था तो इसमें होता है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो इसका जो सेकंड कॉन्ट्रीब्यूटर था शेयर होल्डर था जो बड़ा है इसमें वो आप लोग का जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देख लेते हैं दावोस स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन जो स्विट्जरलैंड के दावोस में पूछा है कि किसका हेडक्वार्टर है तो जो आप लोग की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर मल्टी मल्टी नेशनल कंपनीज़ बेस ऑन द कलोंगी का टेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आप लोगों को दावो स्विट्जरलैंड में मिलेगा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था तो 1971 में बना था और इसके जो फाउंडर कौन थे तो क्लो शुआब मोस्ट है कलो शुआब के द्वारा इसको फाउंड किया गया था क्लो शुआब और स्विट्जरलैंड में है कि दावोस में कि स्कॉट क्वार्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है बहुत बार नेक्स्ट आप विच वन इज़ नॉट इन द टॉप फाइव पोलेटेड कंट्री तो इनमें से कौन सी टॉप तो पाँच ऑप्शन दे रखे थे आप लोगों को बताना था कि कौन से टॉप तो फाइव पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है तो मैं दुनिया की टॉप तो टेन जो पॉपुलेटेड कंट्री सारी की सारी लिस्ट आप लोगों को दिखा देता हूं आप लोगों को फ्यूचर में भी याद रखनी पूछी जाती है तो ये आप लोग देख सकते हैं दो में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है कितनी इतनी टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है दो में और इसमें तो एज एप नाउ 2023 में जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया है टोटल कितनी पॉपुलेशन है 1.4 पॉइंट फोर आप दो लोग देख सकते हैं चाइना सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है फोर्थ पे इंडोनेशिया फाइव पे पाकिस्तान है तो इनमें से जो भी ऑप्शन में नहीं था वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा मैंने आप लोगों को टॉप फाइव कंट्री दिखा दी मोस्ट पॉपुलस एट एज एप नाउ दो इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पूछा गया था सरफेसल इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी तो जो सर्फेसल होता है ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हिंदुस्तान यूनिवल लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है सर्फेक्सल जो सर्प होता है आप लोगों का उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था ए सुटेबल बॉय रिटन बाय द होम ए सुटेबल बॉय एक नोवेल है किसके द्वारा लिखा गया था तो विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया था मोस्ट फेमस नॉवल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसको कब पब्लिश किया गया था नाइनटीन नाइनटी में इसको पब्लिश किया गया था बाय द विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आप लोग चाहते हैं कि अदर सेक्शन के भी इस तरीके से एनालिसिस की जाए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एनालिसिस कैसी लगती है तो आप लोग बता सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं बाकी अगर आप लोग इसका पी चाहते हैं तो पी है, तो में आप लोग इसका टेलीग्राम ग्रुप जो होता है स्टडी एच के नाम से इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से जाकर के आप लोग इसकी पी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू